तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो पर। आज का दिनांक है 21 अप्रैल और आज फ्राइडे है। और दोस्तों आज कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, तो देखिए दोस्तों पहले आपको मैं उसका रीजन समझाता हूं। यहां पर दोस्तों आप थोड़ा सा, ये बैंक निफ्टी का एक घंटे का चार्ट है दोस्तों। देखिए यहां से लेकर के यहां तक अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा रैली है दोस्तों। आपको मैं अभी पूरा कुछ समझाता हूँ, बस आप देखते जाइए वीडियो को। तो देखिए अगर यहाँ से मैं लेता हूँ दोस्तों, तो यहाँ से लगभग देखेंगे तो लगभग 1200 से अधिक पॉइंट का यहाँ पर, जिन्होंने दोस्तों यहाँ पर बाय किया है ना, उसको जब यहाँ से यहाँ तक जब मार्केट यहाँ पर 400 पॉइंट का गेपअप दिया, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1200 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ दोस्तों। तो ये जो आप बड़ा कैंडल देख रहे हैं ना, ये प्रॉफिट बुकिंग का कैंडल है। जब यहाँ पर ये 450 पॉइंट गेपअप हुआ, तो उस दिन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई और आने के बाद मार्केट दोस्तों यहाँ पर आ गया नीचे में। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ तो देखिए जब दोस्तों यहाँ पर ये बुक मतलब गेपअप हुआ, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई, तो यहाँ से मार्केट आया नीचे। तो दोस्तों देखिए अब यहाँ पर दोस्तों नया पोजीशन बना है इस जगह पर। तो यहाँ पर अब नया पोजीशन बना है, तो यहाँ से जो पोजीशन बना है वो लोग मार्केट को देखिए यहाँ से यहाँ तक लेकर के गए लगभग कितना पॉइंट, दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फ्रेश बाइंग हुई है और ये लोग 600-700 पॉइंट मार्केट को ऊपर लेके गए यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेकिन दोस्तों सोचिए कि जो लोग रिटेल ट्रेडर भी यहाँ पर पोजीशन बनाए होंगे और बड़े बड़े ट्रेडर भी यहाँ पर पोजीशन बनाए होंगे, तो दोस्तों जो बड़े पोजीशन है उन्होंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जब गया ना दोस्तों, तो यहाँ से जब यहाँ तक ये करेक्शन जो आया है यहाँ पर, ये लगभग 70% का करेक्शन है। मतलब अगर जिनको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जिनका 1 लाख का प्रॉफिट दिख रहा होगा इस टॉप पर, तो जब दोस्तों यहाँ पर आया होगा तो वो सिर्फ 30,000 रुपये रह गया होगा। तो जो रिटेल ट्रेडर होंगे दोस्तों वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट को दोस्तों काट दिए होंगे, क्योंकि यहाँ पर लगभग इनका 70% प्रॉफिट ये कम हो गया रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर तो वो अपना रिटेल ट्रेडर नहीं होंगे, तो जो बड़े ट्रेडर होंगे उनका पोजीशन अभी यहाँ पर अभी तक यहाँ पर हुआ होगा रहा होगा दोस्तों सॉरी मतलब जो बड़े ट्रेडर होंगे उनका पोजीशन अभी तक यहाँ पर है दोस्तों। लेकिन दोस्तों देखिए अब थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ। देखिए जब मार्केट यहाँ गया दोस्तों, तो यहाँ पर भी नए सेलिंग पोजीशन बने हैं जो कि अभी तक एग्जिट नहीं हुए हैं। और जब ये दूसरा टॉप लगाया है यहाँ पर, मतलब ये एक ठो हायर हाई फिर एक थे नहीं, तो देखिए जब ये वाला हाई दोस्तों यहाँ पर गया, तो यहाँ पर नया सेलिंग पोजीशन बना, और यहाँ पर दोस्तों जब गया तो यहाँ पर भी नया सेलिंग पोजीशन बना है जो कि दोस्तों अभी तक एग्जिट नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मार्केट दोस्तों क्या है कि एक ठो ये ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। देखिए ऐसे करके गया है, फिर ये नीचे आया दोस्तों यहाँ पर, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। तो दोस्तों अभी जो कि ट्रेंड अप है, तो यहाँ से अगर चाहे तो मार्केट यहाँ से ऊपर साइड जा सकता है और इन लोगों को दोस्तों ये निकाल सकता है इन लोग को। और अब देखिए अब जो ये लोग हैं इनका सेल कहाँ है दोस्तों, इनका सेल ये वाले लेवल पर है, ये वाले लेवल पर है। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा दोस्तों, तो इनके जो है ना सेल कटने शुरू होंगे। तो जब मार्केट देखिए ये वाला ऊपर से, देखिए ये वाला ट्रेंड लाइन जो आ रहा है ऊपर से, ये एक घंटे का टाइम फ्रेम है, देखिएगा एक घंटे का टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर जो रेड कैंडल है ये नहीं दिखा रहा है। तो आप इसको एक घंटे पर देखिएगा तब ये दिखेगा रेड कैंडल। तो देखिए दोस्तों ये ऐसे जो ट्रेंड लाइन है इसके ब्रेकआउट पर दोस्तों आपका टारगेट होगा ये वाला, देखिए 42,490 का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट इसका हाई रहना चाहिए। लेकिन जब दोस्तों मार्केट ऊपर जाएगा ना, तो इसके हाई को तो क्रॉस करेगा ही, साथ में दोस्तों इसके इस ऊपर भी आ जाएगा। तो मतलब ये 42,700 का दूसरा लेवल है और ये पहला लेवल है 42,490 का। दोस्तों ऊपर साइड पर हमको ये वाला टारगेट अभी आज मिल सकता है। उसके लिए दोस्तों मार्केट जो है वो देखिए ये वाला हमारा सपोर्ट लेवल है, देख लीजिए आप, आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। देखिए अभी हमारा सपोर्ट जो लेवल है दोस्तों वो हमारा ये वाला लेवल है, ये ग्रीन लाइन का, देखिए 42,187 का सपोर्ट है। यहाँ से भी मार्केट जा सकता है, अगर मान लीजिए यहाँ से इनकेस नीचे आता है तो हमारा दूसरा सपोर्ट है 42,100 का। अगर 42,100 के नीचे आता है दोस्तों, तो फिर आप इसको सेलिंग करने का सोचिए, बाइंग करने का मत सोचिए। लेकिन अगर 42,100 या फिर 42,187 के ऊपर रहता है ना, तो आप इस 187 के लेवल पर भी आप बाय कर सकते हैं इसके ऊपर। फिर ये 42,244 का लेवल है बाय करने के लिए उसके ऊपर, तो फिर ये 42,365 का ये लेवल है ही, ये हमारा ब्रेकआउट लेवल है। लेकिन दोस्तों बाय करने के लिए 42,244 का लेवल पहला है,
अगर इसके नीचे आता है तो फिर आप दूसरा लेवल जो हमारा बाय करने के लिए है वो 42,187 का लेवल है, और तीसरा लेवल दोस्तों ये वाला है 42,114 का। अगर 42,114 के नीचे आता है मार्केट ना, तो फिर आप उसको बाइंग करने का मत सोचिए, फिर आप सेलिंग करने का अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। तो दोस्तों यही है अपना आज का एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एक लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।